गैलेक्सी F24 5G स्मार्टफोन। तो बॉक्स को पिन करने के बाद यहाँ पे कैंची से अपने स्मार्टफोन को निकाल लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक लीड मिल जाता है, बैग में सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है एंड गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो गाइस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे मैं F24 के कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, वारंटी गारंटी आजकल कोई रीड नहीं करता है, मैनुअल टूल्स। नेक्स्ट में अपने स्मार्टफोन को निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक फास्ट अडैप्टर मिल जाता है मैं बॉक्स के कंटेन में दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, एक मिल जाता है चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों में यूएसबी की टाइप सी का पोर्ट यहां पे डाटा केबल दोस्तों देखने के लिए मिल जाती है और ये स्मार्टफोन आपको 6GB के साथ 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपने स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं और सारे स्पेसिफिकेशन फुल ओवरव्यू देने वाला हूं, फुल रिव्यू बताने वाला हूं, फुल स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं इस फोन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले हमें यहां पे मिल जाता है 6.5 इंचेस का, जो कि दोस्तों यहां पे एक अमोलेड डिस्प्ले रहने वाला है। साथ में अमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 90 यानी कि 405 की PPI मिल जाए और यहाँ पे 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है एंड फास्ट स्मूथ। एंड इस फ़ोन के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट, और यहाँ पे एक मिल जाता है क्वाड रियर कैमरे का सेटअप जो कि दोस्तों 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइडल प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। तो गाइज इस फ़ोन के अंदर में 51 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको बहुत सारे इफेक्टिव मोड्स आपको मिल जाते हैं जो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बहुत सारे साइनाइन एंड फिल्टर्स मोड आपको मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कैमरे की है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है इस बार F24 5G स्मार्टफोन के अंदर। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप F30 पे कर सकते हो, फुल HD 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाता है। कोक्टा कोर का आपको एक चिपसेट मिल जाता है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में पोर्ट रहने वाला है एंड यहाँ पे दोस्तों आप इसमें जो हमारा स्मार्टफोन रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार दोस्तों में नेक्स्ट में हमें प्रीवियस में रिब्रांड कर सकता है 108 मेगापिक्सल के साथ में एंड आपको सेंसर का सपोर्ट भी मिल सकता है और यहाँ पे पैनोरमा सेटिंग्स मिल जाती हैं। गिव में पार्टिसिपेट करने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना दोस्तों, जिससे मैं रियल नगर हूँ आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और 5 लोगों को आपको शेयर कर देना इस वीडियो को एंड लोगों को अपने दोस्तों के साथ। गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है एंड यहाँ पे फास्ट स्मूथ तो आपको मिल जाए, हल्के वेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं स्मार्टफोन के साइड में एंड कलर थोड़ा सेंसिटिव मिल जाता है डिसेंट। मेरे को लगता है स्मार्टफोन का प्राइस भी आपको 20,000 के अराउंड में देखने के लिए मिल जाते काफ़ी।